मनावा नगरपालिका के ठेकेदारों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। मनावा नगरपालिका में निर्माण कार्य कर चुके ठेकेदारों का भुगतान 8 माह से नहीं होने पर ठेकेदारों का अब धैर्य जवाब दे गया है और उन्होंने आज प्रशासन को इस ओर अवगत कराते हुए अपने भुगतान शीघ्र करवाए जाने को लेकर मनावर के तहसीलदार CH धारवे को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर 8 दिन के समय अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो हम हड़ताल और धरना प्रदर्शन नगर पालिका के सामने करेंगे। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। किस विषय में आज तहसील कार्यालय मनावर में ज्ञापन दिया गया है? नगर पालिका द्वारा विगत पिछले 9 माह से ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण ठेकेदार दर दर के भटके खा रहे हैं और निर्माण कार्य भी अधूरे पड़े हुए हैं, निर्माण कार्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं और जिनके टेंडर निकले थे उनके भी जो निर्माण कार्य लिए गए हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना उनके कार्य आदेश दिए जा रहे हैं। कार्य आदेश भी हम चूँकि ले लें पद के हिसाब से करेंगे, जबकि 8 माह पूर्व का हमारा भुगतान ही नहीं किया गया है। 8 माह से हम नगर पालिका जाते हैं, नगर पालिका में CMO साहब को अवगत कराते हैं, उसके बाद भी CMO साहब हमें कुछ ना कुछ कानूनी अपनी प्रतिक्रिया बता के हमें उलझा देते हैं और हम पुनः वापस आ जाते हैं। क्योंकि हमारे दोषी किसको मानते हैं इस विषय में? तो CMO साहब के पास ही गए थे हम, उन्हें कई बार अवगत कराया है लेकिन उन्होंने आज तक हमारी कोई सुनवाई पे उन्हें ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज तक हमारा भुगतान नहीं हो पाया। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे अगर आपको भुगतान नहीं होता? अभी ज्ञापन दिया है माननीय तहसीलदार साहब को अनुविभागीय अधिकारी जी के नाम से और 8 दिन का समय लिया है। अगर 8 दिन बाद यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम नगर पालिका खुलने भी नहीं देंगे, चक्का जाम भी करेंगे और नगर पालिका गेट पर धरना भी देंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।